अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल यर्ब जिंदगी। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, काफ़ी दिन नहीं, ऑलमोस्ट 2 या 3 डेज बाद में। और एक इंफॉर्मेशन जो कि आपको काफ़ी जगह पे इस वक्त पता चली होगी, गुड न्यूज़ है वो कि सैफ जो है, जो पुर्तगाल जब आप आते हैं तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यहाँ का, वो फास्ट हो गया। उसने इमिग्रेशन अपनी फास्ट कर दी है। फास्ट किस सेंस में की है, सबके लिए की है या कुछ लोगों के लिए की है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। और ऐसा एकदम से एक ये कहा जा रहा था कि 2023 में प्रोसेस फास्ट होगा, तो उसका रीज़न क्या है और ऐसी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्या फास्ट प्रोसेस चलते रहेंगे, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग पुर्तगाल आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको मैं ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जब भी कैसे कोई न्यूज़ आती है उसके साथ बहुत सारी र्यूमर्स भी आते हैं, झूठी खबरें भी आती हैं, तो आपने कौन सी चीज़ जो है वो ऑथेंटिक है, आपको बाय लॉजिक और बाय जो है वो ऑथेंटिक रेफरेंस बता रही हूँ, तो वो आप जो है वो नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो पे लेटेस्ट देती रहूँगी। तो जो यूरोप ज़िंदगी का चैनल है उस पर आपको काफ़ी दफ़ा जो है वो अपडेट्स दी हैं कि जो सैफ है वो किस तरह से प्रोसेस करता है इमिग्रेशन का, जब भी आप पुर्तगाल आते हैं। और पुर्तगाल का जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ है या यूरोप है उसमें काफ़ी सारी अच्छी और भी कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त आपको जो है इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो दे रही हैं। पुर्तगाल इसलिए ज़्यादा लोगों को जो है वो प्रेफरेबल होता है क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लगता है अगर आप लीगल वे से चलते हैं, और आपके जो प्रोसेस होता है प्रॉपर नेशनल होने का वो जल्दी हो जाता है और चीज़ें स्मूथ और आसान है कंपैरेटिवली अदर शेंजन स्टेट्स। तो उनसे कंपैरिजन किया जाए तो ईजीएस्ट है, लेकिन और जगहों का भी अच्छा है और आसान है। पुर्तगाल का एक बैड कह लें या फिर एक लो फीचर ये है कि क्रोशिया और पुर्तगाल स्पेशली दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ की जो है वो इकॉनमी इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट की तरफ है, अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है। तो पुर्तगाल में सैलरीज़ इस वक्त बहुत कम है, इसलिए लोग जो है प्रेफर करते हैं कि अदर जो स्टेट्स हैं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इस तरह से जो है इनकी तरफ मूव हो जाए और अपना जो है वो अर्निंग पर्पज़ को देखा जाए। लेकिन अगर आप रहने के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो पुर्तगाल इस वक्त रेंट की, जिस तरह से आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर मैंने बनाई है आप देख सकते हैं, ज़रूर बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके पेपर वर्क करवाते हैं तो आपका जो है वो थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है 2-3 साल की, लेकिन उसके साथ आपका काम बहुत आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो जब आप एक बार जो है वो नेशनल हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छा हो जाता है। ये सिर्फ एक मोटिवेशन थी आपके लिए। तो लोग ये सवाल मुझसे करते हैं इंस्टाग्राम पे कि अक्सर के हम पुर्तगाल को क्यों चूज़ करें ना, और दूसरी कंट्रीज़ भी तो इस वक्त जो है वो नेशनैलिटी और दूसरी जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही हैं और उनकी सैलरीज पैकेजेस भी ज़्यादा है। तो मैंने आपको दोनों का थोड़ा बहुत स्लाइट सा डिफरेंस जो है इस वक्त बता दिया। इमिग्रेशन के हिसाब से एक जो है वो इस वक्त न्यूज़ जो है वो है कि वो बहुत फास्ट इमिग्रेशन प्रोसेस है। तो कौन सी ईमेल चल रही है और ये प्रोसेस फास्ट क्यों हुआ है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए एक स्लाइड सा कि जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है जब आप पुर्तगाल आते हैं तो पहले आप अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो सैफ है वहाँ जाके अपनी एंट्री करवाते हैं और बताते हैं कि मैं यहाँ पे अब लीगली रहूँगा या रहूँगी, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट वगैरह जो है वो आप उसमें कन्वर्ट होके और अपना फाइल लॉक करवाते हैं। अब फाइल लॉक और ईमेल का आपने काफ़ी दफ़ा लोगों से सुना होगा, जब आप एंटर हो गए और आपने अपनी एंट्री करवा ली उसको लीगल एंट्री कहते हैं, मतलब आप लीगली यहाँ पे रहने लग जाते हैं। पुर्तगाल एक बहुत अच्छी कंट्री है जो आपको इलीगल कंसिडर नहीं करती, और डे वन से जब आप आते हैं तो आपको आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है कि आप अगर यहाँ पर नेशनल होने के प्रोसेस में अपने आप को कंसिडर करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर अब चीज़ क्या है कि आपने जब अपनी एंट्री करवा दी उसके बाद आप ये देखते हैं कि आप कौन से आर्टिकल या कौन से लॉ जो है, जो कानून है, उसके अंदर फिट होते हैं, और फिर आप अपना सारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं इमिग्रेशन का। कुछ लोग जो है उसमें जो है वो आपने सुना होगा 88 पे आते हैं, कुछ 89 में आते हैं, और कुछ जो है वो 90 में आते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट आर्टिकल्स में आते हैं, जिनके कोई एक पेरेंट्स होता है वो जो ऑलरेडी लीगल होता है, या कोई यहाँ पे आके शादी करता है तो वो किसी और लॉ में आता है। लेकिन जो इस वक्त हमारे जो एशियंस हैं वो मोस्टली वो जो है वो कैटेगरी में फॉल करते हैं 88 और 89 वाले में, तो ज़्यादातर ये 90 वाले में। तो इस तरह से आपको इस वक्त ये बता दूँ कि जो भी लोग पुर्तगाल आए थे उन्होंने अपनी एंट्री करवाई थी,
और उसके साथ साथ फिर उन्होंने जो है वो वेट करना होता है आप पुर्तगाल में, फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जब वो अपनी फाइल लॉक करवाते हैं, मतलब आप ये बताते हैं कि मैं लीगली या तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे रह रहा हूँ या मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो जो भी कर रहा हूँ तो उसके साथ वो अपनी फाइल लॉक करवाते हैं। तो जो भी लोग 2021 में आए थे और उन्होंने अपनी जो है वो फाइल लॉक करवाई थी और उसके बाद वो वेट कर रहे थे, थर्ड स्टेप ये होता है कि आपको वेट करना होता है। तो आपने सारे जो अपने पोर्टल जो सेफ का होता है, जो उसमें ऑनलाइन जाके आपने अपने सारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिलफिल करके और अपना स्टार्ट किया था वेट करना कि मुझे ईमेल आएगी, क्योंकि वो आपको ईमेल के थ्रू बताते हैं और उस पर ये बताते हैं कि आपकी जो है वो ये चीज़ ये आप एक्सेप्ट हो गए हैं एज एन इमिग्रेंट और आपको जो है वो अब आके अपना आपकी फ़ाइल भी ठीक है, आपके टैक्सेस वगैरह भी आपने सही ठीक है पे किए हैं, तो अब आप आके अपना फिंगरप्रिंट कर दें, बायोमेट्रिक कर दें। तो उसकी जो ईमेल आ रही थी इस वक्त एक्सेप्टेंस की, उसका लोग वेट कर रहे थे, इसको ईमेल कहा जाता है यहाँ पे पुर्तगाल पे। तो वो जो ईमेल 2021 में लोगों ने की थी वो जनवरी की स्टार्ट हुई थी इस वक्त 2023 में, और इन्होंने अपना प्रोसेस फास्ट किया और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने सैफ ने एक साथ जो है काफ़ी सारी ईमेल्स की। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपको ये बता दूँ कि 2021 के मार्च के 25 तक की लोगों को ईमेल आई है। अच्छा 23rd वाले जो हैं 23rd मार्च 2021, इन लोगों को सबको ईमेल आई है, ठीक है। अपना मेल ईमेल बॉक्स आप जाके जो आपने ईमेल अपना सेफ में लिखवाया था, जो नोट डाउन करवाया था, वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जो 24 और 25 वाले हैं उसमें से कुछ लोगों का आई है और कुछ लोग कह रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको बाय द टाइम इस वीक जो है वो आ गई हो ईमेल। अच्छा इसके बारे में गलत न्यूज़ ये उड़ गई थी कि अब इतना फास्ट हो गया है कि अप्रैल तक चली गई है, अप्रैल तक नहीं गई है, अभी मार्च ही चल रहा है, ठीक है। और आज मॉर्निंग में भी मैंने जो है ये लोगों ने मुझे बताया कि 25 की ईमेल विद ऑथेंटिक वो जो है सोर्स उनको आ चुकी है। अच्छा अब यहाँ पे बात ये कर लेते हैं कि ये प्रोसेस फास्ट क्यों हो गया अचानक, पुर्तगाल में ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने सैफ जो है वो पहले इस ईमेल का जो लोग वेट करते थे वो 2 साल भी वेट करते थे और उससे थोड़ा सा टाइम बीच में बढ़ भी गया था और कम भी हो गया था, तो उन्होंने अपडेट इसलिए किया है क्योंकि जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उनसे जो है वो थोड़ा सा इन लोगों ने ये बात ये जज कर रहे थे कि क्या वो लोग अपना प्रोसेस फास्ट करते हैं। तो इस वक्त जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ने अपना प्रोसेस जो है वो एकदम फास्ट किया, बहुत ज़्यादा भी फास्ट नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंपैरिजन कि अगर आप कंपेयर करते हैं पुर्तगाल को दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो क्या पुर्तगाल बेटर है इमिग्रेशन के लिए या फिर दूसरी कंट्रीज़ बेटर है, तो वो कंपैरिजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त ये बताने वाली बात है कि उन्होंने अपना प्रोसेस थोड़ा फास्ट किया तो पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो क्योंकि आ रहे थे, उन्होंने बोला पुर्तगाल ज़्यादा बेटर है हम वहाँ रहने से, अपना टाइम स्पेंड करने से, क्योंकि टाइम इज़ बनी, टाइम आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ का। लोग चाहते हैं कि जल्दी हमारा पेपर वर्क प्रोसेस हो और उसके बाद हम आगे मूव करें या अपनी लाइफ सेट करें, तो वो ज़्यादा उन्होंने जो है वो उसको फास्ट कर दिया था, तो पुर्तगाल ने इमीडिएटली उसको फास्ट किया। और इसका एक और रीज़न ये भी है कि इस वक्त जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेशर था पुर्तगाल को कि आप अपने प्रोसेस को और चीज़ों को, जो लोग आ रहे हैं आगे, जैसे मैंने आपको जो है वो अदर वीडियोज़ में बताया है कि यहाँ के प्रोसेस जो है वो अब जो जिन एरियाज़ हैं वहाँ पे जब अब आप आते जाते थे तो वो चीज़ जो है वो चेक की जाएगी और लोगों को इसके उसमें जो है वो उनका डेटा रखा जाएगा, जो कि पहले भी रखा जाता था लेकिन अब ज़रा ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कुछ लोग पेपर पुर्तगाल में बनाते थे और अर्निंग प्रस्पेक्टिव से दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते थे, जैसे कि आपको बताया कि सैलरीज वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इस तरह की ये सारी जो सिचुएशन थी ये पुर्तगाल जो है वो फेस कर रहा था, तो इसलिए इन्होंने भी अपना प्रोसेस जो है अब वो फास्ट किया और काफ़ी सारे लोगों को ईमेल कर दी। अब वो ईमेल आने के बाद आपका प्रोसेस ये होता है कि आपने अपनी डेट्स उठानी होती हैं, आपको प्री स्केजुलिंग को किया कहा जाता है, तो वो डेट उठा के आप फिंगरप्रिंट्स के लिए जाते हैं, तो वो 2024 की मिल रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस वक्त फास्ट हुआ है, पासपोर्ट वाले और जो दूसरे सेकंड कार्ड वाले या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो लोग कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है, सिर्फ इमिग्रेशन वालों के लिए हैं जो इस वक्त फाइल लॉक और ईमेल का वेट कर रहे थे, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। मज़ीद हम होप करते हैं कि आगे लोगों के लिए भी जो है वो डिफरेंट जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो पॉसिबली ज़्यादा तेज़ कर देगा और होप फॉर द बेस्ट। अच्छा इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये ऐसा चलता ही रहेगा कंटिन्यूटी में, ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा टाइमली जो है वो स्पेस जो है वो डिले हो, ठीक है। तो लेकिन हम दुआ करते हैं कि सबके लिए जो है वो अच्छा रहे
और ये साल भी, और उनको जो है जल्दी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए ताकि उनकी जो और बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए आसान हो जाए। और कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आप जो है उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पुर्तगाल में आते हैं और 88 89 में अपनी फाइल लॉक करवाते हैं तो उसके बाद आपको स्टे करना पड़ता है। तो कुछ लोग 2 साल स्टे कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो 3 साल स्टे कर रहे थे और अपनी फैमिली से दूर थे। तो जैसे ही उनकी फायर वो फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद उनको कार्ड मिलने के एक्सेप्टेंस का वो होगा कि उनको कार्ड मिलेगा, तो उसके बाद उनको आसान हो जाएगा आगे का प्रोसेस और वो अपनी फैमिली से मिलके आ सकते हैं या अपनी फैमिली को बुलाने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं पुर्तगाल में। फैमिली को आप किस तरह बुला सकते हैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास इससे और भी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको ये और ईमेल्स भी आ चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।